और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बीएसएफ के प्रहरी ऐप और मैनुअल का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। बीएसएफ का प्रहरी ऐप और मैनुअल लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। कुछ देर पहले इसे लॉन्च किया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और इसमें बीएसएफ के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह और बीएसएफ के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। प्रहरी और मैनुअल आपका उद्घाटन किया गया। 20 दिसंबर को टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और वहां से आतंकी हथियार लूटकर फरार हो गए थे। और इन आतंकी घटनाओं को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की निगाह टेढ़ी हो चुकी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ढीले रवैये की वजह से इस प्रांत पर आतंकियों का कब्जा हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। असल में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में आतंकी अभियान चलाने में जुटे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि वो लामबंद होकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, इसी वजह से टीटीपी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। और इसी कड़ी में उसने कुछ रोज पहले बलूचिस्तान में एक्टिव मकरान गिरोह से हाथ मिला लिया। खबर है कि टीटीपी और मकरान गिरोह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले की ताक में है, और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकियों से समझौते का आरोप मढ़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 23 दिसंबर को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक हमलावर ने इस्लामाबाद में घुसकर बड़ा आत्मघाती हमला किया था। इस घटना में पुलिस के एक अधिकारी की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के लिए बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए आतंकी संगठन टीटीपी से बातचीत की इजाजत देकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, और उनकी वजह से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी खतरों की वजह से पुलिस ने इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी, क्योंकि आशंका ये जताई गई कि आतंकियों ने इस्लामाबाद को दहलाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसे देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर चुके हैं, जिसमें इन देशों ने वहां रहने वाले अपने नागरिकों को सावधान रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी। कई अहम जगहों और इमारतों पर कमांडो और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। आतंकी खतरे से निपटने के लिए वहां 25 नई पुलिस चौकियां बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई। उधर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों को रोकने वाले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बरकरार रखा, जबकि अमेरिका के बॉर्डर पर मौजूद हजारों शरणार्थियों को नीति में बदलाव की उम्मीद थी। लेकिन पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए की एक और बड़ी कार्रवाई। केरल में 50 से अधिक ठिकानों पर छापे, नाम बदलकर फंड इकट्ठा करने का शक।